साथियों, गीता गीत के इस सीरीज में विविध प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया गया। श्रीमद् भगवद गीता में यज्ञ के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन यज्ञ केवल हवन में आहुति देना ही नहीं है। यज्ञ एक बड़े उद्देश्य के लिए, एक महान उद्देश्य के लिए अपने तन मन को कष्ट देना पड़े, फिर भी वो उस उद्देश्य को पूरा करना ही यज्ञ है। श्रीमद् भगवद गीता में विविध यज्ञों के अनुष्ठान के विषय में क्या क्या कहा गया है, किस तरह से वर्णन किया गया है, अलग अलग लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किस तरीके से, अलग अलग तरीके से यज्ञ किए जाते हैं, इन सब का वर्णन किया गया है। आइए जाने कैसे हम यज्ञ करें या कैसे अलग अलग तरह के, अलग अलग लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अलग अलग तरीके से किस तरीके से यज्ञ किए जा सकते हैं, इसको समझें। साथियों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञानी यज्ञाश्च यतिया संशितव्रता। द्रव्य यज्ञ, बहुत से केवल धन को दान करके उस जगह लगा दिया पैसा, वो द्रव्य यज्ञ कहलाता है। तपो यज्ञ, अपना शरीर से मेहनत करके किसी के यहाँ जाके समदान किया या कुछ भी मेहनत इसके साथ लग गए जुट के, उससे यज्ञ करते हैं। योग यज्ञ, और कई लोग जो हैं अपना योग के यज्ञ करते हैं, यज्ञ योग का यज्ञ करते हैं, और कई स्वाध्याय ज्ञान चर्चा में अध्ययन किया, अध्यापन किया, मतलब ज्ञान चर्चा में करते हैं। यतिया संशितव्रता, और अपने को संयम से कोई संशित संशय का व्रत रख लेते हैं कि संशय नहीं करना है, कोई संशय नहीं होना चाहिए, जो भी है उसने ज्ञान से अपने पूरा किया और जितना भी संदेह है, जितना संशय है, आपका मिटा दिया। ये संशय का व्रत हुआ जो ज्ञान यज्ञ में रहता है। हाँ, सब अलग तरीके के। यत्नशील दृढ़ प्रतिज्ञ, हर तरह से यज्ञ करते। यत्नशील दृढ़ प्रतिज्ञ, हर तरह से यज्ञ करते, परमार्थ में धन लगाते जिसे द्रव्य यज्ञ कहते। परमार्थ में धन लगाते जिसे द्रव्य यज्ञ कहते। तप यज्ञ संयम से करे योग यज्ञ योग से, अन्य ज्ञान यज्ञ कर स्वाध्याय में रत रहते। तो इस तरह से बहुत से लोग जो हैं कि अपने ज्ञान को बढ़ाना, ज्ञान के अपने संशयों को दूर करना, इससे ऐसे होगा। हाँ, अपने साथ सबके संशय दूर कर रहे हो, अपने संशय भी दूर कर रहे हो, संशय का सबके संदेह दूर कर रहे हो, तो इस तरह से जो है यज्ञ करते हैं। अपाने जुहति प्राणम, प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायण। बहुत से लोग क्या करते हैं, अपान वायु में प्राण का हवन करते हैं, प्राण वायु को अपान में हवन करते हैं, और कहीं प्राण अपान की गति को रोक लेते हैं और प्राणायाम परायण होते हैं। अब आपको बताएं कि हमारे पंच प्राण होते हैं। प्राण वायु मीन्स जो हम बाहर से लेते हैं सक्शन, वो दैट इज प्राण। एक्सक्रेशन जो हम निकालते हैं वो सब अपान, चाहे नीचे से निकाले, चाहे ऊपर निकाले, कहीं से निकाले, जो निकालते हैं वो अपान। समान, जब हम खाना खाते हैं डाइजेस्ट होता है और सब जगह बैलेंस करके खाना जाता है, सब आपका रस बनता है, वो भी क्योंकि कोई भी काम एक्शन उसके लिए वायु चाहिए, पंपिंग एक्शन चाहिए कहीं पर भी, और वो बिना प्रेशर के डिफरेंस से पंपिंग एक्शन हो नहीं सकता। तो इसका मतलब सब प्राण का ही, हवा का ही सब खेल है। तो जो तीसरी जो वायु है, समान वायु से डाइजेशन करते हैं। ब्यान वायु, ब्यान वायु वो होती है जिससे आपका मन की गति भी चलती है, दूसरी चीज़ें भी सर्कुलेट होती है पूरी तरीके से, सारा सर्कुलेशन जो है ब्यान वायु का, इवन मन की भी गति तो उसी से होती है। और पाँचवा होता है उदान। उदान से जो आप बोलते हैं वो भी बिना हवा के नहीं बोल सकते, वो भी वायु का ही है। तो इस तरीके से पंच प्राण होते हैं, पंच वायु होते हैं। तो वही अब इसमें बता,
नहीं, वायु का रोल बताया पंच, वो पानी का तो अलग रोल है, वो तो पानी का अलग रोल है, ये पंच प्राण जो हैं, क्योंकि हमें हमेशा हम हमें प्राण ये होता है ना, एक होता है भौतिक जिसे कि अन्नमय कोश, दूसरा होता है प्राणमय कोश, तीसरा हो मनोमय कोश, चौथा होता है विज्ञानमय कोश, है ना, और पांचवा होता है आनंदमय कोश। तो पांच कोश बताए हैं ना, तो उसे प्राण की बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि अगर एक मिनट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस प्राण की, अगर हवा नहीं है आपको, वायु ना आए, एक दो मिनट तीन मिनट भी अगर हवा ना हो तो आपको मुश्किल हो जाएगी। तो प्राण, हाँ, तो ये क्या है, तो इसीलिए बताया कि अब जो हम प्राणायाम में जो हम पूरक करते हैं, जिसमें कि अंदर से सक्शन लेते हैं पूरक, वो प्राण वायु को हम हवन कर रहे हैं, और जब हम रेचक करते हैं अपान वायु को हवन कर, और जब हम प्राण और अपान की दोनों को गति को रोक देते हैं वो कुंभक कहलाता है, प्राणायाम में कुंभक कहलाता है, जब दोनों को रोक देते हैं, सांस रोक लेते हैं, ले ली रोक दिया फिर रेचक किया, तो वो कुंभक कहलाते हैं। तो ये प्राणायाम का हम जो दिया है, अन्य अपान वायु में होम करते प्राण का, तथा प्राण वायु में भी होम दे अपान का, प्राण और कुंभक वाला है, लिया और निकालने के बाद में जो करते हैं या बीच में? नहीं, कुंभक वो है जब लिया और रोक दिया। अच्छा, तो वो कुंभक हो गया। इसी तरह से कुंभक बाद में भी, जब प्राण उपान को रेचक किया और रोक दिया, वो जो है वो भी कुंभक है। हाँ, जब रोक प्राण और अपान की गति को रोक दे वो कुंभक है। अन्य अपान वायु में होम करते प्राण का, तथा प्राण वायु में भी होम दे अपान का, प्राण और अपान वायु की गति रोक कर, करते अभ्यास योगी नित्य प्राणायाम का। तो ये भी एक यज्ञ है जो प्राणायाम करते हैं आप, वो भी एक यज्ञ है। अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेश जुहति, सर्वे प्येते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कल्मषा। अपरे नियत आहार, दूसरे लोग क्या करते हैं, अपना खाना जो है रेगुलेट करके नियत आहार करते हैं, अब इतना से लेना है, कंट्रोल। बहुत से लोग लालच लग गया, जो खाना आ गया बढ़िया स्वाद में खा गए, नहीं, तो वो जो है नियत आहार करते हैं, वो प्राणान प्राणी से जो होती, इस तरह से प्राण में ही प्राण का हवन करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना सब कंट्रोल कर दिया। वो भी एक यज्ञ है कि आपने चीज़ को कंट्रोल किया, मेन चीज़ है कि आप कंट्रोल करके कर रहे हो सबको, वो सब यज्ञ है, वो यज्ञ आपको तुम्हें ही फायदा देता है। हाँ, और सर्वे सर्वे अपि इते यज्ञ विदो, ये सभी यज्ञ कहे जाते हैं, यज्ञ क्षपित कल्मषा, और ये यज्ञ जो है तुम्हारे पापों को दूर करते हैं, तुम्हें ही सही रखते हैं, मतलब जितने भी यज्ञ हैं ये तुम्हारे अपने सही करने के लिए, तुम किसी को देते हो भी तुम्हें अपने को सही करते हो, तुम्हें अंदर से बस जो कुछ भी यज्ञ करते हो वो तुम्हें तुम्हारे अपने लिए है, ये किसी और के लिए नहीं है। हम सोचते हैं कि हम यज्ञ किसी और के लिए, किसी के लिए नहीं। सदा अन्य केवल नियत आहार करते ग्रहण, सदा अन्य केवल नियत आहार करते ग्रहण, इस तरह प्राणों में प्राण का ही करते हवन। ये सब भी यज्ञ के रहस्यों की ही है ज्ञाता, इस तरह यज्ञ में गिरे सब दोष करते दहन। जितने तुम्हारे दोष हैं, जितने पाप हैं, सब यज्ञ में दहन इसी तरह हो जाते हैं। आप अगर कंट्रोल डाइट खाओगे तुम्हारे लिए ही फायदा है, अगर प्राणायाम करोगे तुम्हारे लिए ही फायदा है ना, कोई भी हवन करोगे, वायु को शुद्ध करोगे तुम्हारे लिए ही फायदा है। तो जो भी यज्ञ है वो फायदा तुम्हारे लिए ही है, तो मतलब आप सारे तुम्हारे पाप सारे दोष तुम्हारे यज्ञ से प्रूते, इससे यज्ञ के लिए हुए कर्म जो है वो कभी बंद नहीं करने चाहिए हमेशा। यज्ञ शिष्टामृत भजो यान्ति ब्रह्म सनातनम, नायम लोकोस्ति यज्ञस्य कुतोऽन्य कुरु सत्तम। यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति, यज्ञ से शिष्ट मैंने बचे हुए अमृत जो है खाना वो भोग है तुम्हारा, हमेशा यज्ञ से बचे हुए प्रसाद जो है ना उसको खाना वो एक बहुत बड़ा भोग है, है ना। नायम लोकोस्ति यज्ञस्य, और कुछ भी यज्ञ से के अलावा जो भी कर्म है वो तो बेकार हैं, और जो भी यज्ञ से आपका जो बच्चों को उसके बराबर कोई और चीज़ नहीं हो सकती सुख देने वाली तुम्हें,
तो यज्ञ से जितने ये बताए हैं सब यज्ञ हैं, और ये तुम्हें सबसे ज़्यादा सुख यही देंगे, सबसे ज़्यादा पुण्य यही मिलेगा इसी समय। यज्ञ से बचे हुए प्रसाद को ही जो खाते, वही सत्य सनातन ब्रह्म को सदा पा जाते। वो तो सत्य सनातन आप जीवित ही ब्रह्म को पा जाते हो। इस तरह सही अपने जीवन बिताओगे तो आप हमेशा सुखी रहोगे, शरीर भी हमेशा सही रहेगा, तुम भी प्रसन्न रहोगे। जो न करते कभी यज्ञ, वह न इस लोक में न अन्य लोक में ही सुखित समर्थ हो पाते। जो यज्ञ नहीं करते हैं न तो इस संसार में सुखी रहते हैं न दूसरी जगह। अब वो सोचते हैं कि हम बड़े कंफर्ट में रह रहे हैं, हमें सारा सब कुछ है, वो विलास में रह रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में वो बीमार ये वो दुनिया भर की परेशानी में पड़ते हैं, न तो इधर न उधर कहीं भी सुख नहीं पाते। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे, कर्मजान विद्धितान सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्षसि। इस तरह के बहुत प्रकार की विधाएं हैं यज्ञ करने की, जो सीधे ब्रह्म के मुख में जाती हैं। ब्रह्म कहाँ है, आपके अंदर भी है, ब्रह्म के मुख में जाती हैं, अंदर या बाहर जो कुछ। कर्मजान विद्धि, और ये सब कर्मों से ही उत्पन्न होते हैं, तो इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो सर्वमेवम ज्ञाता विमोक्ष से, और इन सब की जानकारी अगर तुम्हें है और उस तरह से करते हो ज्ञान से, तो तुम्हें मोक्ष को तो प्राप्त तुम यही हो जाते हो, यही मुक्त हो जाते हो, तो आपकी कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहती यहीं पर। ऐसी अनेकानेक विधियाँ यज्ञ की कहलाती, ऐसी अनेकानेक विधियाँ यज्ञ की कहलाती, विस्तृत इतनी कि ब्रह्मवाणी बन जाती। मतलब हमने थोड़े से बताए, हो सकता और भी इसी तरीके से बहुत सारी विधियाँ हैं जो आपके कर्मों से उत्पन्न हुई। इन सब विधियों को जान आत्मा कर्म बंधन से मुक्ति हो जाती। अगर ये जान लो, समझ लो कि ये तरीके हैं और उस तरीकों को अपनाओ, तो तुम कर्म बंधन से वैसे ही मुक्त हो जाओगे और कभी प्रॉब्लम में नहीं फंसोगे। लर्निंग क्या है? व्हेन ए पर्सन अज्यूम्स द रोल ऑफ डूअर इन रिलेशन टू द एक्शन परफॉर्म्ड, देन दैट एक्शन बिकम्स फ्रूटिव और बाइंडिंग एक्शन। जब किसी रिजल्ट के लिए करते हो तो बाइंडिंग एक्शन हो जाता। व्हेन ए मैन रिजॉल्विंग टू ब्रेक फ्री फ्रॉम बॉन्डेज एक्ट सेल्फलेसली फॉर द बेनिफिट्स ऑफ अदर्स, देन द एक्शन रिजल्ट्स इनटू यज्ञ। बॉन्डेज इज एलिमिनेटेड थ्रू कर्म योगा एंड यज्ञ। देयर आर थ्री बेसिक सेगमेंट ऑफ लाइफ साइकिल: इनटेक ऑफ स्टिमुलाई फ्रॉम द वर्ल्ड, रिएक्शन टू द स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्स बैक टू द वर्ल्ड। हम तो लेते हैं संसार से, उसके प्रति रिएक्ट भी करते हैं और फिर से बैक देते भी संसार। ये तीन चीज़ें। देयर इज नो लाइफ फॉर द इंडिविजुअल आउटसाइड द वर्ल्ड ऑफ सोसाइटी। Each and everyone is enjoying the services given by the society as its intake. We all are able to act further as only reaction to the situation and opportunities available in the society. It is therefore required that we should offer back the returns thus earned out of our action. Yajna is the process of offering and kindling. This process is applied to all life's activities. Jitni bhi life ki activities sab mein lagta hai involved. There is no progress of society without assured security and well-being of every individual. Each for all and all for each. Each for all and all for each. The well-being of all depends on how every individual behaves. Just as the safety of individual depends on how society behaves. Each person can become a potential carrier of the virus and also a preventer of its spread and hence a protector of others.